हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अनबॉक्सिंग का व्लॉग, जिसमें मैंने मंगाया है ट्रैवॉक कंपनी का एक बैकपैक। बेसिकली दोस्तों, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें चाहिए था एक लैपटॉप बैग और एक ऐसा बैग जो काफ़ी स्पेशियस हो। तो इसकी MRP जो है वो लिखी हुई है 3299 और ये हमें पड़ा है समवेयर अराउंड 1350 का। इसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों वो है 40 लीटर्स। तो मैं आपके सामने ये बैग ये पैकेज अब अनपैकिंग करूंगी इसकी। आजकल काफ़ी अच्छी तरीके से पैकिंग होके सामान आ रहा है और काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है दोस्तों लोगों के लिए, क्योंकि मार्केट जाना, इतना टाइम लगाना, इतना पैसा खर्च करना, बेटर है घर बैठे हम लोग अपनी पसंद की चीज़ें देखें और उसकी क्वालिटी चेक करें जब वो डिलीवर हो, और अगर समझ नहीं आया तो हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक यूटिलिटी पाउच है। इसमें पाउच एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। तो जिप्स मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, और ये एक एरिया मुझे लग रहा है, आई थिंक यहाँ पे आप शूज़ वगैरह इस पैकेट में शूज़ वगैरह रख के रखा जा सकता है। तो ये एक दिस एरिया इज देयर। इसके बाद दोस्तों एक ये एरिया है जहाँ पे आप अपना कुछ और शूज़ वूज का सामान रख सकते हैं। इसके अंदर का अगर हम देखें, क्वालिटी इज़ ओके, बहुत ख़ास क्वालिटी मुझे इसकी लग नहीं रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी आप ट्रैवल के लिए कोई बैग लें तो वो काफ़ी रफ़ एंड टफ होना चाहिए, बट ये क्वालिटी उसने बेकार भी नहीं है, क्वालिटी ठीक है। लैपटॉप आपका काफ़ी स्पेस काफ़ी सेफ रहेगा, क्योंकि जो इसमें कुशनिंग हो रखी है वो काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। यहाँ पे सिर्फ एक कंपार्टमेंट मिल रहा है जहाँ पे आप अपना सारा स्पेशियस सामान रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, जैकेट्स वगैरह, वूलन वगैरह भी रख सकते हैं। एक आदमी के लिए सफिशेंट है लैपटॉप और 2 से 4 दिन का सामान ले जाने के लिए। आगे ये कुछ एक छोटे छोटे जिप्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आप अपना हैंडी सामान रख सकते हैं, और ये छोटे मोटे और जिप्स हैं जहाँ पे भी। स्पेस की बात करें तो स्पेस इसमें ठीक ठाक ही है दोस्तों। क्वालिटी और बिल्ट मुझे ओके लग रही है इसमें। जिप क्वालिटी, जिप का कोई कंपनी वगैरह इसमें मेंशन नहीं है, जैसे कई बार YKK एंड ऑल मेंशन होता है, तो उस तरीके का कुछ नहीं है। दोस्तों मेरी तरफ से तो ये एक नो गो प्रोडक्ट है। अगर खैर मैंने तो मंगा लिया है, बट आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, एंड जो मुझे स्टफ़ है वो भी कुछ बहुत खास नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पास और बैग्स हैं विंडक्राफ्ट एंड अदर कंपनीज के, तो वो इससे कंपैरेटिवली उनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेटर है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।